हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और अभी जैसा कि मेरे मायके में चल रहा है फंक्शन रुद्राभिषेक का और रामायण का, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। और पीछे देखो कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है। और पीछे ये बच्चे भी खेल रहे हैं मंदिर के आसपास, और थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि माइक लगा हुआ है तो बात करना ज़्यादा ठीक नहीं है। और मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, तो मैं अपनी सारी फैमिली को भी आपसे मिला देती हूँ वन बाई वन, क्योंकि कभी कभी होता नहीं है, मम्मी घर में है तो पापा नहीं है, भाई है तो भाभी नहीं है, चाचा है तो चाची नहीं है, मतलब सभी लोग एक साथ इकट्ठे नहीं रहते हैं, कभी बाहर है कोई कहीं है, तो ऐसे मिलाना नहीं हो पाता। और अभी फंक्शन है तो सभी बुआ मौसी मतलब जितने लोग हैं सभी लोग आए हुए हैं, तो मिलाना आसान होगा। तो मैं इसी वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से भी मिला दूंगी, लेकिन अगर वीडियो बहुत लंबा हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब मिलाऊंगी। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको अपनी फैमिली से मिलाऊंगी, और सबसे पहले ना मैं अपने बाबा जी से आपको मिलाऊंगी। और अभी बहुत आवाज़ आ रही है तो बाद में बातें करूंगी, चलो पहले चलते हैं। बहुत दिन बाद आ रही है, कब कराए? अम्मा कराएंगे, लेकिन बहुत दिन बहुत नाम हमरे मतलब याद में तो वही लास्ट रामायण है जो शिवम के घर शिवम के जो बात है हमरे शुद्ध माँ वही याद है। श्रीमद भागवत तो भाई भागवत नहीं रामायण के बारे में नहीं, रामायण है एक गाय धर्म है, एक गाय धर्म है, एक गाय भय रही है तब है उसका ध्यान नहीं बहुत है सन सन 82 प्रधानी के इलेक्शन जीते के बाद प्रधानी के इलेक्शन 82 में 72 में भा 72 में जीता हूँ, फिर 82 में भा 82 में जीता, वही 82 में चुनाव के बाद में, और 82 में तो 87 अभी मैं आपको मिलाती हूँ अपने पापा जी से, और बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है इसलिए मतलब स्पीकर ऑन है। पापा सुनिए तो जानते हैं और ये देखिए मिल लीजिए मम्मी से मम्मी हमारी मामी लोग भी वीडियो देखेंगी ना तो इसी चाची है, सब लोग मंदिर आ चुके हैं, सब लोग मतलब पूरा परिवार आ गया है, लेकिन अभी पंडित जी गायब है तो बिना पंडित जी के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। पंडित जी आ जाएंगे तभी रुद्राभिषेक शुरू होगा, और यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये देखो पीछे पूरा जंगल है, तो हम लोग यहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं। थोड़ी हवा आ रही है पीछे से, है ना चाची? पीछे से बढ़िया हवा आ रही है। और ये देखो मेरा चाची का आज कलर सेम हो गया है साड़ी का, इन्होंने येलो साड़ी पहनी है, मैंने येलो कुर्ती तो आज मतलब मेन येलो और रेड वाला ही दिन है, या तो येलो है हमारे घर में या तो रेड अभी लड़का
देखिए, वो देखो, ये है मेरी छोटी भाभी और ये इसकी छोटी सी बेटी क्यूटी सी कुच्चू। कैसी लगी बताना जरूर। कितनी गोलू मोलू सी है, गोलू मोलू सी। भैया हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो बाबू। तुम्हारी वो देखेगी फ्रेंड। दोनों देवरानी जेठानी, ये देखो ब्लू और रेड में है। इन लोगों ने ब्लू और रेड पहन रखा है और बढ़िया हम लोग खुली हवा में मजे कर रहे हैं। और सबकी गोद में एक बच्चा है, एक उसका भी छोटा है, एक उसका भी छोटा है, एक मेरा भी छोटा है। मेरे तो दो दो है तो, लेकिन एक से थोड़ा फ्री हुई, एक वाली ना बहुत परेशान करती है। आज क्या देखो कितना रो रही है। और ये पता है किसी के पास नहीं जा रही, अपनी किसी मामी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। और यहाँ पे ये मेरा भाई बैठा हुआ है। एक्चुअली ये बहुत बिजी था तो इस वजह से इसके साथ वीडियो बनाना मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि रुद्राभिषेक भी इसी को करना था और उसके बाद सारी जो व्यवस्था है वो भी यही देख रहा था। तो ज़्यादातर इसका टाइम बहुत बिजी जा रहा था। अभी ये 5 मिनट के यहाँ पे बैठा था तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वीडियो बनाना, तो मैंने बना लिया है और आपको वॉइस ओवर के थ्रू बता दे रही हूँ। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है और सभी अभी तैयारियाँ चल रही हैं, जैसा कि पता ही है आपको फंक्शन है तो उसी की सारी तैयारियों में सब लगे हुए हैं और ये सबको अपना अपना काम बता रहे हैं क्या करना है। और अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है तो वॉचफुल करिएगा। आप लोगों को मेरे पूरे परिवार से मिलकर ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही नाइस फैमिली है और स्पेशली हम लोगों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ये है मेरी बड़ी वाली बुआ और आप लोग भी मिल लीजिए मेरी बुआ से। बुआ हाय कर लीजिए। हाय। और बुआ मेरी टीचर है तो एकदम आपको टीचर वाली पर्सनालिटी में दिख भी रही है। बुआ लाइक शेयर को बोल दीजिए, फिर लाइक कर देना इसके चैनल। हाँ लाइक। तोरे चैनल देखी तो रोज लाइक कर दी। मेरी बुआ के कहने पे थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर लोग, आप लोग जो भी देखिएगा सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। टीचर है समझ लीजिए। और ये है मेरी छोटी बुआ, ये आराम से बैठी है। ये मैं बुआ एक ही तरह, हम लोग आराम से बैठे ही रहते हैं। और बुआ ना क्या कहते हैं, हम दोनों लोगों को थोड़ा बैठने वाले काम ज्यादा पसंद है, बैठे बैठे वाला गेम, इसीलिए हम दोनों हेल्थ में थोड़ा एक जैसे ही सही बात है, जब काम नहीं करेंगे तो हेल्थ तो बढ़ ही जाएगी ना। ये चाची है, चाची अपन बांदा की भाषा बोलने जा रही है और हम बुआ अपन प्रताप गढ़िया बोलत है। चाची डिस्टर्ब कर दिया था, हम बातें से तनी के रुक जा भाई। हम अपन प्रताप गढ़िया बोल बुआ कह दिया कि आप बड़ी शर्माई की कोई जरूरत नहीं, अगर हम प्रताप करके तो मैं बोले में कौन बुराई है कहो। चाची अपना पल्लू बना रही है, निधि पीछे केला खा रही है, देख लीजिए। ये सब हमारी फैमिली है। और फिर से एक लड़की गाना गाना शुरू हो गई है तो आवाज बहुत आ रही है, तो अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे। और ये मत सोचिएगा कि मैं अलग अलग ड्रेस में अपनी फैमिली को मिला रही हूँ, क्योंकि जो जैसे मिलता जा रहा है मैं उसको वैसे ही आपको दिखाती जा रही हूँ। तो चलो अभी हम थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, अभी बुआ हम पूरी। ये मेरा छोटा भाई है और आज कैसा लग रहा है, जैसे बिल्कुल किसान हलवाई जो कहना चाहो। अरे देखो ये पुच्ची कितनी अच्छी लग रही है, ये गाल मटो लो। और नम नहीं छू भैया, इनके गाल छू लो तो आफत है, अपने जीव के भरे के आफत करवाओ। भाई
काला आ रहे हैं बहुत ज्यादा। और ये हैं हमारे चाचा जी। वैसे तो चाचा जी हमारे ग्राम प्रधान हैं, लेकिन आज इन्होंने कड़ाहा मतलब कड़ाहा वाली पूरी तो का अरेंजमेंट संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर जरूर खड़े हुए हैं अपना लगा वगा के गमछा वगैरह। मिल लीजिए आप लोग हमारे चाचा जी से, और थोड़ी लाइट कम है तो इग्नोर करिएगा। तो इसीलिए मैंने सब के साथ वीडियो बनाई है, और मेरी ड्रेस चेंज होती गई है क्योंकि जो जैसे मिला है वैसे मैंने सबके साथ वीडियो बनाया हुआ है। तो मेरा परिवार कैसा लगा, मेरा गांव कैसा लगा, और हमारे गांव का मंदिर कैसा लगा, सारी चीज़ें कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ की पूजा कैसी लगी, और आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा गाँव की लाइफ को, देसी लाइफ को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। और जो भी गाँव से जुड़ा है, जो भी गाँव का है, उसको तो बहुत मज़ा आया होगा। और साथ ही बताइएगा हमारी भाषा कैसी लगी, हमने अपने गांव की भाषा में बात करी है तो काफ़ी अच्छी है, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है। और आपस में सब हम लोग ऐसे ही बात करते हैं गांव में, तो सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दो दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, दो दिन मतलब हम लोग को एक मिनट का टाइम नहीं मिला। उधर रात को 12-1 बज जाते थे सोने में, कल तो पूरी रात रामायण चली है तो भी हम लोग को बहुत लेट हो गया 1-1.5 बजे। कल तो खैर कोई सोया ही नहीं है, और आज भी मुश्किल ही है, 12-1 ही बज जाएंगे। तो थकान भी है थोड़ी थोड़ी सी चेहरे में तो, लेकिन बट कोई नहीं, फैमिली के साथ ऐसा टाइम मिलता कहाँ है, इंजॉयमेंट बहुत होता है। तो चलो अभी मैं अपनी वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।